दोस्तों, हमारे हृदय संबंधी कोई रोग हो या फिर हमें सांस लेने में दिक्कत हो, अस्थमा है, दमा जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती हैं। जब भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है तो आपने देखा होगा कि इंसान कितना ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि अगर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिले तो ये सारी परेशानियाँ आगे चलकर बड़ा रूप ले लेती हैं। और ये परेशानी आती है अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्मोकिंग की हुई हो, या फिर उनके हार्ट में या फिर लंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो। तो हृदय संबंधी और श्वास संबंधी दोनों ही रोगों का इलाज आज आपको इस एक ही वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ये है पीपल के पत्ते, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर लिए हैं पीपल के पत्ते। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको हृदय संबंधी कोई रोग है या फिर श्वास संबंधी कोई रोग है, दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कई पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में पीपल के पेड़ के गुणों के बारे में बताया गया है। अब आपको जैसा कि पता हो कि पीपल के प्रयोग से हमारे रंग में निखार आता है, शरीर में कोई घाव है, सूजन है, वो भी दर्द से आराम मिलता है। पीपल हमारे शरीर के खून को साफ करता है। पीपल की वजह से अगर हम पीपल का सेवन करते हैं तो अगर हमें यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर हम इसकी छाल का उपयोग करें तो हमारा पेट साफ होता है, साथ ही साथ ये हमारी सेक्सुअल स्टेमिना को भी बढ़ाता है और लेडीज़ को प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है। ये कफ दोष निवारण होता है, डायबिटीज़ को दूर करता है, लेडीज़ में ल्यूकेरिया यानी कि सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पीपल का सबसे मेन रोल होता है सांस के रोगों में पीपल का इस्तेमाल। जी हाँ, पीपल का इस्तेमाल अगर हम पत्तियों में करें, छाल की तरह करें या फिर कैसे भी करें, ये हमारे सांस के रोगों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। और इसके अलावा आपको पता है कि पीपल का पेड़ जो होता है उसके नीचे अगर हम थोड़ी देर बैठ जाएं तो भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। उसके नीचे बैठते हैं, खड़े होते हैं, छांव में बैठते हैं तो भी पीपल का पेड़ हमारे शरीर की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। मैंने भी यहाँ पर पीपल के पेड़ के पत्ते मंगा कर रखे हुए हैं। आप भी अगर किसी भी एरिया में रहते हो तो आपको किसी मंदिर के आसपास या अपने घर के ही आसपास पीपल के पत्ते तो मिल ही जाएंगे। और दोस्तों, वैसे भी जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है जिससे हम जूझ रहे होते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा चलकर अगर हम कहीं किसी पेड़ से पत्ते लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पत्तों को लेकर सबसे पहले हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। पत्तों को वॉश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पेड़ पर पत्ते लगे होते हैं तो धूल, आंधी, पानी सब कुछ इन पत्तों पर आती है, चिड़िया वगैरह बैठती हैं, तो पत्तों को अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर में जाने वाले हैं। पत्तों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ पानी से धुल लीजिए। तो आप चाहें तो एक से दो पानी भी धुल सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर इसे पहली बार पानी से धुला है। और हाँ, जो इन पत्तों के साथ जो पीले पत्ते हैं या फिर कुछ पत्ते ऐसे जिनमें फंगस वगैरह लगे हैं, कुछ कीड़े के दाग हैं जो आपको लगता है कीड़े वगैरह ने खाए हुए हैं, तो उन पत्तों में से वो पार्ट छाट कर अलग कर दीजिए। अब इसके बाद इन पत्तों को एक पानी मैं और वॉश कर लेती हूँ। तो कुल दो पानी वॉश करने के बाद पीपल के पत्तों को निकाल कर हम अलग रख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये जो होम रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपके घर के किसी भी सदस्य के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एज के हैं और सांस की समस्या से परेशान हैं या फिर जिन्हें हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ली है एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई। दोस्तों, हमें यहाँ पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना है इस दवाई को बनाते समय। ना ही हमें एल्यूमिनियम का उपयोग करना है और ना ही हमें स्टील के किसी बर्तन का इस्तेमाल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में तो बर्तन स्टील के ही होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के होते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे बर्तन होते हैं, जैसे कि लोहे का कोई बर्तन या फिर मिट्टी का कोई बर्तन। तो अब चूँकि ये खास दवाई है तो इसे बनाने के लिए खास बर्तन का ही इस्तेमाल करना है। दोनों बर्तनों को मैं हटा देती हूँ, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए रख कर दिखाया था। ना ही हम कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम अपने इस स्टील के भगोने का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं वो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनाने का काम कर सकती हैं। और चूँकि हम यहाँ पर बना रहे हैं मेडिसिन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले ली है अब एक लोहे की कढ़ाई। हर घर में लोहे की कढ़ाई तो ईजिली मिल ही जाती है। लोहे की कढ़ाई लेने के बाद अब हमें लेना है इसमें पानी। पानी का जो मेजरमेंट है वो हम ध्यान से लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने जो प्लेट में पत्ते लिए हैं वो लगभग 5 से 6 है, और यहाँ पर 5 से 6 पत्तों में हमें डालना है 400 ml पानी। तो ये मेरा जो ग्लास है ये लगभग 250 ml का है।
तो यहाँ पर मैंने पूरा ग्लास भर के पानी लिया है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हाफ ग्लास पानी और ले लेंगे। तो ये कुल हमारा 400 ml पानी ले लिया है हमने। अब इसके बाद से इस कढ़ाही को हमने चढ़ा दिया है गैस पर, और गैस पर चढ़ाने के बाद पानी हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे जो पीपल के पत्ते हैं, आप चाहें तो इसे साबुत भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे थोड़ा काट काट कर डालूंगी, जिससे हमारे जो पीपल के पत्तों का सत है वो बहुत अच्छे से पानी में आ जाए। क्योंकि पत्तों का जितना बढ़िया तरीके से सत पानी में आएगा काटने के बाद या इनको निचोड़ने के बाद, उतना बढ़िया सत खड़े पत्तों से नहीं आएगा। अब यहाँ पर पत्तों को काटने के बाद फ्लेम को हाई रखेंगे और पानी में आने देंगे एक उबाल। अभी देखिए हमारे पानी में आ चुका है बढ़िया सा उबाल। अब जब पानी में उबाल आने लगे तब हमें ध्यान रखना है कि फ्लेम को कर देना है सिम या थोड़ा सा हल्का सा मीडियम पर, जिससे पानी में एक उबाल बना रहे। और इस पानी को हम अभी काफ़ी टाइम तक उबालेंगे। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तब आप इस तरह का ये तवा बनाकर रख सकते हैं। इस पानी को हम उबालेंगे जब तक कि हमारा पानी आधे से भी कम ना हो जाए। तो बीच में मैं आपको एक आध बार दिखा दूं कि देखिए हमारा पानी अभी उबल कर आधा हो गया है। मैंने इसे रखा है लो मीडियम फ्लेम पर और ये पत्ते जो हैं उबल रहे हैं। आप देख रहे हैं कढ़ाही में भी पानी में बढ़िया सा कलर आ रहा है। तो इस तरीके का कलर आना बहुत ज़रूरी है। इसे हम सिम फ्लेम पर छोड़ते हैं और थोड़ा सा और उबलने देते हैं। तो अभी हमारा पानी जो है उबल कर हाफ से थोड़ा सा और कम हो चुका है। अब यहाँ पर परफेक्ट हमारा पीपल के पत्तों का पानी बनकर तैयार है। इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, हल्का सा ठंडा, जिससे मैं बता सकूँ कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे और कब करना है। तो पहले गैस को बंद करेंगे और इस पानी को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पानी हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। पत्तों को आप चाहें ऐसे छान कर निकाल लें या फिर किसी छन्ने की मदद से छान सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है एक कांच का बर्तन। और हाँ, दवा को छानते समय ध्यान रखें कि इसे स्टील के बर्तन में नहीं छानना है। आप इसे कांच के बर्तन में या फिर क्रॉकरी के बर्तन में या फिर लोहे का अगर कोई बर्तन हो तो उसमें छान सकते हैं। अब यहाँ पर ये पानी हमारा छनकर तैयार है, यानी कि ये तैयार है दोस्तों पीपल के पत्तों का काढ़ा, जिसे आप पीपल के पत्तों का काढ़ा या फिर पीपल के पत्तों की चाय का भी नाम दे सकते हैं। ये जो पानी है इसे आप हल्का सा ठंडा कर लीजिए, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ नहीं पीना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा गर्म कर सकता है। ये जो पानी है दोस्तों इसे हमें कर लेना है दो पार्ट में। जी हाँ, ये जो पानी है ये हमारे दो टाइम की दवा की तरह काम आएगा। दो पार्ट में करने के बाद आपको इसका एक पार्ट सुबह लेना है खाली पेट। जब भी आप सोकर उठते हैं, आपने अपनी कोई दवाई लेनी है वो ले लीजिए, उसके बाद से आप पीपल के पत्तों का काढ़ा इसका हाफ पार्ट ले लीजिए। और जो हाफ पार्ट है वो आप बनाकर रख सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि अस्थमा के रोगियों के लिए फ्रिज जो है जहर की तरह काम करता है, या फिर कोई भी ठंडी चीज़ जहर का काम करती है। तो इस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे और हो सके तो पीते समय हल्का सा आप बॉयल भी कर सकते हैं। हल्का गुनगुना से लेकर रात में सोने से पहले सिप सिप करके पी जाइए। इस प्रयोग को दोस्तों आपको कम से कम 20 दिन या एक महीने तक करना है। साथ में आपकी जो दवाई चल रही है उसे भी आप लेते रहें। इस दवा की वजह से दवाइयों को स्किप ना करें। और इस दवाई को आप 20 दिन एक महीना तक लेने के बाद आपको खुद अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। आपको रिलीफ मिलेगा और आपको खुद पता चलेगा कि आप जो दवाई ले रहे हैं, ये होम रेमेडी, ये आपको कितना फ़र्क डाल रही है। होप करती हूँ दोस्तों कि इस दवाई को लेने के बाद आपकी तबीयत में सुधार आएगा। तो चलिए, सब अपना अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।